सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के पार्ट नंबर 1। और जैसे कि आप लोग का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर जितना भी हो सके आप चैप्टर वाइज स्टडी करें, ठीक है? तो मैंने सोचा कि आज से आप लोग का चैप्टर वाइज ही चलेगा, क्योंकि देखिए हमने तो आपको बहुत पहले ही आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, करंट अफेयर्स का, सबका अलग अलग मैंने स्टडी करवा दी है पिछली बार। तो बच्चे का इस बार भी फिर है फोर्स की सर नहीं, इस बार भी चैप्टर वाइज फिर से होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने सोचा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो भी होगा आपका कोर्स मैं फुल करवा दूंगा और चैप्टर वाइज आज से आप लोग का क्लास चलेगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि हम लोग का पहले कैसे चलता था। अब देख लीजिए, जैसे साइंस हो गया तो साइंस में यहाँ पे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सबका अलग अलग अब वीडियो आएगी। ये नहीं कि साइंस केमिस्ट्री मतलब जो भी था सब एक के में हम लोग का पहले अब आता था, लेकिन अब ऐसे नहीं आएगा। फिजिक्स का अलग होगा जितना भी सवाल होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा जितना भी होगा, बायो का अलग होगा, ठीक है? अब जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में अब क्या होगा कि हिस्ट्री का जितना भी पार्ट होगा ये इसका अलग आएगा, ज्योग्राफी का जितना भी होगा सबका अलग आएगा, और मान लीजिए कि राजनीतिक से जो होता है सवाल वो भी अलग आएगा, ठीक है, पॉलिटिक्स से, ठीक है? तो ध्यान रखना इस टाइप से हम लोग का क्लास चलेगा, और थोड़ा सा आप लोग फोकस रखो स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा PDF दिया जा रहा है तो उसे भी जाके ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम्स के लिए फिनिश हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? तो ये सवाल हिस्ट्री का है, सब लोग को मालूम है, जितना भी सवाल आज हम लोग करेंगे 25 सारा का सारा हिस्ट्री, इसमें कोई ज्योग्राफी नहीं, ठीक है? तो ऑप्शन ए में है प्रयाग, बी में वाराणसी, सी में मथुरा और डी में पेशावर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा प्रयाग, ठीक है? तो इस बार भी मैंने बहुत सारे चेंजिंग करके आपको पढ़ाऊंगा फिर से, और पूरा जो भी होगा आपका कोर्स सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। देखिए किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए थर्ड नंबर सवाल में, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए में कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सभी। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कौशाम्बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, कौशाम्बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल 4 में, शून्य की खोज किसने की? तो ये तो सब लोग को मालूम होगा और ये सवाल MR में आया भी था, ठीक है, भास्कर, आर्यभट्ट, वराह मिहिर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, यानी कि आर्यभट्ट ने, ठीक है। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने। और आप समझ सकते हैं कि शून्य का महत्व कितना है, अगर एक जीरो पे हम अगर इतना भी जीरो लगा देते हैं तो इसका महत्व कितना हो जाता है, अगर यही हम एक हटा देते हैं तो इसका महत्व क्या हो जाता है, ठीक है? तो अनुमाना लगा सकते हैं शून्य की खोज जो की थी बहुत ही मतलब सोच के। चलिए देखते हैं अगला सवाल 5 में, 5 महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी, तुगलक, गुलाम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यामिनी, ठीक है, यामिनी वंश का शासक था महमूद गजनवी। चलिए गजनी। अगला प्रश्न देखते हैं 6 में, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1350 ईस्वी में, 1600, 1398 ईस्वी में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1398 ईस्वी में, ठीक है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर, तो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल 7 में, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये सवाल आपको मैंने करवाया था ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली, ठीक है, जमाली हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल में, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, लिच्छवी, औढ़ी में जांत्रिक, सल्लास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जांत्रिक, ठीक है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था भैया? तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए 9 में, आप लोग भी फटाफट राइट आंसर कमेंट करना। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का, जैनों का। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए, यानी कि बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ जो है, धर्म ग्रंथ, ये बौद्धों का है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल 10 में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपनी अधीन किया था, साइरस, डेरियस, कोम्बिसिस और डी में जेरसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डेरियस। चलिए देखते हैं अगला सवाल 11 में, आपकी स्क्रीन पे है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था भैया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा घनंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महानंदिनी। याद रखिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महानंदिनी। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट लगता है कि सर की तरफ से गलती है, त्रुटि है, तो आप उसी टाइम कमेंट करना कि सर ये आपका क्वेश्चंस नंबर 5, क्वेश्चंस नंबर 8, क्वेश्चंस नंबर 25 गलत है, आप इसको पिन कीजिए, या फिर जो भी होगा नेक्स्ट पार्ट में मैं इम्प्रूव करके ला दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी भैया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना जो की थी विश्वामित्र ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जितने भी हिस्ट्री के सवाल होंगे अब आपको एक एक सवाल को अच्छे से नोट करना होगा, और ये नहीं बोलना होगा कि सर आपने जो पिछली बार सवाल करवाया है तो फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, अरे भाई 2-4-5 सवाल तो रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो बना है, मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं कि जो भी होगा बौद्ध से संबंधित सवाल, टी सेकेंड सपोज दैट, तो बौद्ध से संबंधित जो सवाल हमने पिछली बार कर लिए, तो क्या इस बार वो चेंजिंग होगा सवाल में? कुछ चेंजिंग नहीं होगा, सवाल तो वही आएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड उतने ही सवाल ही बने हैं कि आपको मैंने पिछली बार ही करवा दिया, लेकिन आप लोग का इतना फोर्स था कि मैंने फिर से अपना जो कोर्स है बैक में आके फिर से स्टार्ट करना पड़ा, ये हुआ आज। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मनुस्मृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 में। कौन सा वेद असंत असंत गद्य रूप से भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यजुर्वेद। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 में। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र, प्रजातंत्र, सी में है राजा शासन और डी में वंशानुगत राजतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 18 में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 में। प्राचीन भारत में निस्क नाम से क्या जाने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि स्वर्ण आभूषण। ठीक है, स्वर्ण आभूषण किसको बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताना, तो जरा स्वर्ण आभूषण किसको बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल 20 में। 20 आपके स्क्रीन पे है और आप लोग भी फटाफट राइट आंसर कमेंट करना। अस्तु मास सद्गम में कहाँ से लिया गया? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, अस्तु मां सद्गम में कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल 21 में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा इंद्र। ठीक है, 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंद्र हो जाएगा राइट आंसर।
इसका पीडीएफ आपको 2 दिन बाद टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 में, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोधन, गोधन और भूमि और डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोधन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी दिया गया इस बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 में, प्रथम विधि निर्माता, ठीक है, निर्माता कौन है? तो सेल्यूकस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनु हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मनु है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 में कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यवसाय क्या था, आपने आंसर तो देख लिया है, नकल कर लिए, चिटिंग कर लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी बी पशुपालन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 में, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, सी हो जाएगा तंबाकू, ठीक है। तो आज अपने शायद खुश रहेंगे क्योंकि हमने डिसाइड ले लिया बिल्कुल फाइनल डिसीजन कि आप लोग का हिस्ट्री का जितना भी पार्ट होगा अलग आएगा, ज्योग्राफी का जितना पार्ट होगा अलग आएगा, पॉलिटिक्स का जितना भी होगा अलग आएगा, आपका फिजिक्स का जितना पार्ट होगा अलग आएगा, हिस्ट्री का केमिस्ट्री का जितना होगा अलग आएगा, बायो का अलग आएगा, दिवस से जितने भी सवाल करवाएं उसका भी अलग आएगा, यानी कि सबका अलग अलग आएगा। तो मज़े से देखो और अच्छे से देखो, ठीक है। बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।